गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। इसके अलावा आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स देखें तो पहला सपोर्ट लेवल 21,900, दूसरा सपोर्ट लेवल 21,850, पहला रेजिस्टेंस 22,220 और दूसरा रेजिस्टेंस 22,320। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 47,200, दूसरा सपोर्ट लेवल है 46,980, पहला रेजिस्टेंस है 47,750, इसके अलावा दूसरा रेजिस्टेंस है 48,100। चलिए अब देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, यानी कि आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स और आप इन स्टॉक्स को 7 to 10 डेज के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रेस्टीज, ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 1520 पर, स्टॉप लॉस 1460 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 1580 और दूसरा टारगेट 1640। नेक्स्ट इज लालपत लैब, यहां पर वॉल्यूम स्पर्ट है, बाय कर सकते हैं 2348 पर, स्टॉप लॉस 2255, पहला टारगेट 2442 और दूसरा टारगेट 2530। नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यहां पर पुल बैक मूव है, बाय कर सकते हैं 592 पर, स्टॉप लॉस 570, पहला टारगेट 614 और दूसरा 635। नेक्स्ट इज सन टीवी, यहां पर राइजिंग वॉल्यूम है, बाय कर सकते हैं 670 पर, स्टॉप लॉस 643 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 697 और दूसरा टारगेट 720। अगला है बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर बियरिश मोमेंटम है तो आप इसे सेल कर सकते हैं 587 पर, स्टॉप लॉस 605 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 569 और दूसरा टारगेट 552। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ की, जिसमें आज हम देखेंगे टाटा मोटर्स, नोवार्टिस इंडिया और TCI एक्सप्रेस के बारे में। टाटा मोटर्स के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स हाइलाइट्स देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 222% ईयर ऑन ईयर सर्ज हुआ है टू रुपीज 17,407.18 करोड़। रेवेन्यू ने भी हेल्दी इंक्रीज देखा है ऑफ 13% ईयर ऑन ईयर, रीचिंग रुपीज 1.19 trillion rupees। इसके अलावा नोवार्टिस इंडिया की बात करें, क्वार्टर 4 रिजल्ट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है बाय 41.6% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 14.6 करोड़। रेवेन्यू बढ़ा है बाय 6.7% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 81.2 करोड़। एबिटा ने इंक्रीज देखा है 21.7% का एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है स्लाइटली टू 13.8% वर्सेज 12.1% ईयर ऑन ईयर। बोर्ड ने रेकमेंड किया है अ फाइनल डिविडेंड ऑफ रुपीज 25 पर शेयर। इसके अलावा TCI एक्सप्रेस के क्वार्टर 4 रिजल्ट हाईलाइट देखते हैं। नेट प्रॉफिट गिरा है 17.9% ईयर ऑन ईयर एट रुपीज 31.6 करोड़। रेवेन्यू भी कम हुआ है 2.8% से ईयर ऑन ईयर एट रुपीज 317.1 करोड़। एबिटा भी डिप हुआ है 17% ईयर ऑन ईयर से और मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ टू 14.2% फ्रॉम 16.6% ईयर ऑन ईयर। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए की फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके फीडबैक सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें।